इस वबा ने नई किस्म के ऑनलाइन खपत जैसे फ्रेश फूड ई कॉमर्स ऑनलाइन तालीम और टेलीमेडिसिन को फरोग दिया है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, ये सिर्फ पेंडेमिक की वजह ही नहीं है बल्कि वो वैसे भी इसको भी पसंद करते हैं, इसको यूज करना, और ये ग्लोबल रुझान है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में ही अब पाकिस्तान में 80-90% इलाज जदीद तरीकों से होता है, रिवायती तरीकों से नहीं। मेरे परदादा भी तबीब थे, मैं फैमिली में चौथी लड़ी में तबीब। ये ज़रई वसाइल के मैदान में कौमी टीम भी है। हवा की रफ्तार 60 मीटर फी सेकंड से ज्यादा भी हो सकती है। ये माहौल को पहुंचने वाले नुकसान को भी कम से कम करता है। इसके अलावा ये कीड़े मार दवा की एक कम जहरीली किस्म है और ये बहुत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदेद, मैं हूँ नसरी। आज हमारे स्टूडियो में दो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, डॉक्टर राजा मोहम्मद अफजाल जो कि छिंगहुआ यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर रहे हैं, और जनाब समीर सदीकी साहब जो कि ABB कंपनी में एशिया पैसिफिक IT उमूर के इंसिडेंट मैनेजर हैं। सबसे पहले पाक चाइना रिस्पॉन्स। इस वबाई सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान के बड़े तजारती शराकत दारों के लॉकडाउन इकदाम से पाकिस्तान के साथ तजारत बुरी तरह मुतासर हुई है। मई में पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की कुल दरामदात और बरामदात में 20% कमी वाक़ हुई तो GDP का खसारा 4.6% तक जा सकता है। चीन जो पाकिस्तान का एक अहम तजारती शरीक है, रवां साल की पहली सहमाही में 6.8% कमी के बावजूद बुनियादी तौर पर इस वबा पर काबू पा चुका है। काम, पैदावार और मार्केट की बहाली जैसे इकदाम के नतायज जाहिर हो रहे हैं और मईशत मुअस्सर तरीके से मुस्तहकम है। चीन में काम दोबारा शुरू होने और पैदावार से आलमी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पहला, क्योंकि इस वक्त चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके दुनिया भर में तमाम सनती निज़ाम मौजूद हैं। आसान लफ्जों में चीन कुछ भी तैयार कर सकता है और यही चीनी पैदावार की सलाहियत है। दूसरा, चीन की मईशत ने माजी में अमरीकी मईशत को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में आलमी मईशत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाला। तीसरा, चीन अब दुनिया की आलमी फैक्ट्री है। बहरान से निकलने का रास्ता तलाश करने में वबा ने बहुत सी सनतों की जिद्दत और तरक्की के लिए अहम मौके भी फराहम किए हैं। टेक आउट इकोनॉमी ने बंद होती कैटरिंग इंडस्ट्री को बचाया है। ताज़ा खाने की कॉन्टैक्ट लेस तरसील ऑनलाइन खरीदारी की एक मकबूल खपत का तरीका बन गया जिसने इंटरनेट कैटरिंग कारोबारी इदारों को भी ज्यादा मौके फराहम किए हैं। सिर्फ में डिजिटल इंडस्ट्री का बोझ बर्दाश्त करने का मुतहम्मल हो सकते हैं और यही मुल्क के बुनियादी ढांचे का एक नया दौर शुरू करने का मकसद है। डिजिटल इंडस्ट्री को माहौलियाती मदद फराहम करेंगे। वबा के दौरान डिजिटल इंडस्ट्री ने चीन की कई दहाइयों की फायदेमंद इंटरनेट टेक्नोलॉजी से फायदा उठाया और इसमें मजीद तरक्की हुई। सर्वे के मुताबिक इस वबा की रोकथाम और कंट्रोल के अरसे के दौरान चीन के 80% अफराद ने कम से कम पहली बार एक नई ऑनलाइन सर्विस जरूर इस्तेमाल की है। ऑनलाइन तिब्बी मशावरत सर फहरिस्त है, ऑनलाइन तालीम और घर से काम भी मकबूल रुझानात हैं। वबा के दौरान ऑनलाइन तफरी की बढ़ती हुई तलब की वजह से गेम की सनत में मुस्बत तरक्की हुई है। इसके अलावा साल के दूसरे निसफ में G5 की तशहीर और क्लाउड गेम्स जैसे नए कारोबारी मॉडल्स के अजरा के साथ गेम की सनत से सारफ के तजर्बे और सारफ के करीब करने में मजीद बेहतरी मतवक्को है। इस सनत से तवक्को की जा रही है कि वो ज्यादातर सनतों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले एक ब्लैक हार्स की शक्ल अख्तियार करेगी। इस वबा ने नई किस्म के ऑनलाइन खपत जैसे फ्रेश फूड ई कॉमर्स ऑनलाइन तालीम और टेलीमेडिसिन को फरोग दिया है। यौमे मई की छुट्टियों के दौरान चीन में फिजिकल अशिया की ऑनलाइन खुर्दा फरोख्त में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 36.3% इजाफा हुआ और कुछ बड़े ई कॉमर्स कारोबार पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 40% से तजावुज कर गए। वबा के दौरान चीन में डिजिटल इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गई है, क्या मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में भी डिजिटल इकोनॉमी ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकेगी? बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, इसकी वजह से लोग बाहर तो जा नहीं सकते, तो बेस्ट वे जो है वो यही है कि आप सेफ एंड सिक्योर आप कैसे अपने ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं, और इसलिए लोग ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म को
सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके थ्रू लोग जाके इसको यूज़ करके अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। और इसके लिए अभी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो दराज डॉट कॉम है पाकिस्तान में, उनकी जो सेल्स हैं ऑनलाइन उनमें ऑलमोस्ट 8.2% 8.2% इजाफा हुआ है। इसी तरीके से जो JS बैंक है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन उनकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनमें 12% जो है ना वो इजाफा हुआ है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो क्या डिजिटल मैशत के जो बढ़ने का रुझान बरकरार रहेगा? या तो मेरा ख्याल से जो हमारी यंग जनरेशन है वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, ये सिर्फ पेंडेमिक की वजह ही नहीं है बल्कि वो वैसे भी इसको भी पसंद करते हैं, इसको यूज़ करना, और ये ग्लोबल रुझान है। अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में ही ये रुझान है। वबा के बाद आपके ख्याल में कौन सी सनदें सबसे पहले बहाल हो सकेंगी? जहाँ तक मेरा ख्याल है, वबा के बाद सबसे पहले तो देखें आपको जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो लाइफ की डेली रूटीन या कोई चीज़ें जो ज़रूरत इस्तेमाल की होती हैं, जिसमें आप फूड इंडस्ट्री है क्योंकि ये सबसे अहम है, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके साथ सर्विस इंडस्ट्री जितनी भी है क्योंकि आपको इसकी भी सारी ज़रूरत है, ट्रेवल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ये सारी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे पहले। CPEC जो कि चाइना और पाकिस्तान का एक जो चल रहा है जॉइंट वेंचर, अगर उसमें देखा जाए तो उसमें भी काफ़ी तेज़ी आ गई है क्योंकि उसको भी कंप्लीट करना है और उसके जो अपना टाइम फ्रेम है उसके अंदर उसको उन्होंने कंप्लीट करना है, तो उसके भी काफ़ी हद तक तेज़ी महसूस की गई है। जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बारहा किया कि लोग बहुत गरीब हैं, गुरबत का लेवल 29% ऑलमोस्ट आबादी जो है हमारी वो 29% वो गुरबत में है या उससे भी नीचे है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो तामीराती काम को सबसे पहले खोला जाए। नाज़रीन अब हम देखते हैं CPEC मेड। पाकिस्तान पिछले 27 सालों में पहली बार टिड्डी दल के बदतरीन बहरान का सामना कर रहा है। पाकिस्तान को इस ताउन से निमटने के लिए चीन ने इमदाद के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान को कीड़े मार अद्वियात और आलात मुख्तस किए हैं। 9 मार्च को इसी तैयारी में कीड़े मार अद्वियात, तिब्बी साजो सामान और वबा से बचाव के सामान की पहली खेप कराची पहुँची थी। 24 अप्रैल को 3 लाख लीटर कीड़े मार अद्वियात और 50 सेट के मुख्तलिफ आलात पाकिस्तान भेजे गए थे, जो 25 अप्रैल को टिड्डियों के हमले की दूसरी लहर से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद के लिए मौजूद थे। इस मकसद के लिए इकोनॉमिक डेली और चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर ने बीजिंग और त्यान अनचन के माबेन सफर किया और चुंगनुन फंगमाओ प्लांट प्रोटेक्शन मशीनरी कंपनी लिमिटेड के साथ एक खसूसी इंटरव्यू किया जो इमदादी सामान मुहैया कर रहा है। नेशनल एग्रीकल्चरल मींस ऑफ प्रोडक्शन ग्रुप हमारी अबाई कंपनी है। ये ज़रई केमिकल सनत का हरावल दस्ता है। इसके अलावा ये ज़रई वसाइल के मैदान में कौमी टीम भी है। COVID-19 ने टिड्डियों को कंट्रोल करने वाले आलात की पैदावार और नकलो हमल की रसद पर कुछ असरात मुरतब किए हैं। चीन में एक अहम प्लांट प्रोडक्शन की मशीनरी तैयार करने वाले की हैसियत से चुंगनुंग फंगमाओ चाइना नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रुप का एक ज़ेली अदारा है। वजारत ज़राअत और देही अमूर की जानिब से फौरी काम सौंपे जाने के बाद और इस बेच को बड़े पैमाने पर प्लांट की हिफाजत के आलात की पहली खेप की तैयारी में 4 दिन लगे। वक्त कम और काम बहुत ज्यादा था। उन्होंने ये कैसे किया? हम मकामी हुकूमत से ये समझने के लिए भरपूर बातचीत करते हैं कि वो काम को दोबारा शुरू करने की शरायत को किस तरह पूरा कर सकते हैं और इस हवाले से एडजस्टमेंट के लिए तैयारी करते हैं। शुरू में हमने सामान के इस्तेमाल की तरबियत के लिए साइट पर जाने का इरादा किया, लेकिन वबा की वजह से हमने इसे ऑनलाइन ट्रेनिंग में तब्दील कर दिया। टिड्डी दिल के हमलों से मुतासरा इलाकों में पौधों को तहफ़ फराहम करने के लिए स्टेशंस मौजूद हैं जिनको वो स्ट्रेटेजिक मादी ज़खायर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमने इन तमाम मशीनों को मुल्क भर में अपने सार्फीन से मुंतकिल किया है, जिनमें खनान, खोबे, इनर मंगोलिया और सिंकियांग शामिल हैं। हमें एक दर्जन से जायद यूनिट वापस करने में लगभग 20 दिन लगे। ये मशीनें और हमारी असल इन्वेंट्री ने सिर्फ मकदार की ज़रूरत को पूरा किया है। पूरे मुल्क से 10 से ज्यादा सामान वापस मुंतकिल करने के बाद उन्हें फैक्ट्री के मुकर्रर करदा मायार के दर्जा तक पहुंचने से पहले देखभाल और मुआयना करने की जरूरत होती है। इस अमल के दौरान इन कारकुनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की।
इसके तारुफ के मुताबिक चीन से ये आला कारकर्दगी वाले तवील फासले से छिड़कने वाला स्प्रायर समुद्र पार पाकिस्तान में कीड़े मार दवाओं के बड़े पैमाने पर छिड़कने के लिए मौजूद है। ये सामान इन्फेंट्री की मशीन गन जैसा है। हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा सामान मौजूद है जो राइफल से मिलता जुलता है, अलबत्ता फ्रीक्वेंसी यकीनन मुख्तलिफ है। ये मशीन बुनियादी तौर पर कीड़ों को हंगामी बुनियादों पर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि लश्करी सुंडी और टिड्डियाँ जो 24 घंटों के अंदर अंदर फसलें खा सकती हैं। त्यांजिन तागांग भी टिड्डियों से मुतासरा एक इलाका है और इन टिड्डियों का खात्मा करने वाली टीम के पास करीब 20 या 30 ऐसी मशीनें हैं। मशक के दौरान हल्की हवा चलने की सूरत में मशीन से छिड़का जाने वाला स्प्रे 70 से 80 मीटर या इससे भी ज़्यादा 100 मीटर तक पहुंच सकता है। एक ताकतवर सेंट्रीफ्यूगल फैन यानी घूमने वाले पंखे पर इन्हेसार करते हुए ये मशीन एक घंटे में तकरीबन 20,000 क्यूबिक मीटर हवा पैदा कर सकती है। हवा की रफ्तार 60 मीटर फी सेकंड से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए धुंध की शक्ल में इससे बाहर आने वाला स्प्रे दूर तक पहुँच सकता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्प्रे की रेंज यानी हद, हवा की समत और रफ्तार एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसकी समत का जाविया उफकी तौर पर 180 डिग्री और 0 से 80 डिग्री अमूदन रख सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ अमूदी नहीं रखा जा सकता। अच्छे साजो सामान का भी मुनासिब देखभाल के तरीकों के साथ मिलाप होना चाहिए। स्प्रे नोजल की भरप से बचने के लिए वक्त पर फिल्टर को साफ करना ज़रूरी है। मशीन में फिल्टर की दो सतहें हैं जिसे हर रोज साफ करना चाहिए। अगर आप इस मशीन को कीड़े मार दवा छिड़कने के लिए लम्हा भर भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको इसे साफ करना चाहिए। इसे वॉल्व स्विचिंग के जरिए तब्दील किया जा सकता है। तब्दील हो जाने के बाद ये कीड़े मार दवा नहीं रहती जो मशीन के अंदरूनी हिस्से में स्प्रे की शक्ल में गर्दिश करती है, बल्कि ये पानी बन जाती है। आमतौर पर लाइन को साफ पानी से धोना चाहिए, ये बुनियादी ज़रूरत है। आमतौर पर साफ पानी मशीन धोने के लिए काफ़ी है और ये पहला तकाजा है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं होते और उनको समझाना पड़ता है, उनको सब कुछ पहले बता के उसके बाद उनको कहना पड़ता है कि प्रैक्टिकल में जाओ इम्प्लाई करें। और जहाँ तक बात है कि किस शोबे में उनको ज़्यादा हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, तो उसमें यह है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप डिजिटल, चूँकि पाकिस्तान की एक पॉलिसी थी डिजिटल पाकिस्तान की जो 2020 के वीजन आया इमरान खान साहब ने दिया, तो उसके मुताबिक अभी 5 ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं जिसमें किसान को फ्री मशवरे या फ्री काउंसलिंग की जा सकती है। उसको बताया जा सकता है कि अगर आपकी फसल को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से ठीक करें। आइए देखते हैं पाक चाइना ट्रेड। कोविड 19 के खिलाफ लड़ने में रवायती चीनी तिब TCM ने हैरतअंगेज इलाज कर दिखाया है। चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका, इटली और दीगर ममालिक में रवायती चीनी तिब के अज्जा और फार्मूला ग्रानोल्स की फरोख्त में 2 से 3 गुना का इजाफा हुआ है। एफिड्रा, मुलेठी और बादाम जैसे अज्जा और पाकिस्तान में रवायती अद्वियात के शोबे में इस्तेमाल होने वाले खाम माल जो नोवल कोरोना वायरस नमूनिया आजमाइशी वर्जन 6 की तशखीस और इलाज में मददगार हैं, वो पाकिस्तान के रवायती तरीका इलाज में भी आम हैं। तो पाकिस्तान में रवायती जड़ी बूटियों की अद्वियात की मौजूदा सूरत हाल और इस मैदान में चीन और पाकिस्तान के माबेन तआवुन के बारे में क्या ख्याल है? हमारे यहाँ आयुर्वेदिक अद्वियात की रवायत 5,000 साल पुरानी थी, लेकिन हालिया बरसों में खास तौर पर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बरतानवी कॉलोनी का हिस्सा बने तो उस वक्त इन रवायती आयुर्वेदिक अद्वियात की सनत जवाल पजीर हुई। अब पाकिस्तान में 80-90% इलाज जदीद तरीकों से होता है, रिवायती तरीकों से नहीं। इसके बावजूद पाकिस्तानी रवायती अद्वियात को आज के जदीद दौर में भी कुछ वरासत और पासदारी हासिल है। एशिया पैसिफिक ट्रेडिशनल मेडिसिन के मुताबिक रवायती पाकिस्तानी अद्वियात में बुनियादी तौर पर तिब्बी यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जड़ी बूटियां और नॉन एलोपैथिक थेरेपी शामिल हैं। मेरे वाले साहब भी तबीब थे, मेरे दादा भी तबीब थे,
मेरे परदादा भी तबीब थे, मैं फैमिली में चौथी लड़ी में तबीब हूँ। ये मेरे वालिद हैं, ये मैं हूँ। उस वक्त वो हुकूमत पाकिस्तान के मुशीर थे, तिब के बारे में मशवरे देते थे और वो सूबा सिंध के मुशीर भी रहे। पाकिस्तान में सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर मर्ज की मेडिसिन तैयार होती है, हर्बल मेडिसिन। लेकिन ये जो हमारा किचन है, ये भी एक घर में एक क्लिनिक ही है एक तरह से हर घर में। ये जो किचन में इस्तेमाल 20-22-25 चीजें तो इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये हमारी हर्बल मेडिसिन रूटीन में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर हमारे पास कोई मैदे का मरीज आता है तो इन्हीं में से हम चीज़ों के कावे शावे बताते हैं और सबूत पकियाँ और मेडिसिन बना के ग्राइंड करके देते हैं उन्हें। मेक यूनानी मेडिसिन एक्ट, क्योंकि मैं यूनानी मेडिसिन एक्ट तिबी फार्मास्कोपिया बनाता हूं और डिप्लोमा को डिग्री क्लास में तब्दील करता हूं। डिग्री क्लासों का निसाब तैयार करता हूं और फिर 5 यूनिवर्सिटियों में डिग्री शुरू करवाई। उसके अलावा मैंने रिसर्च की लीवर पे, मेदे पे, अर्थराइटिस पे, खवातीन के जो मराज हैं उन पे, और ये जो अस्थमा जो है उसका और एक्जिमा, इन पे मैंने रिसर्च की और इनकी मेडिसिन मैंने तैयार की। ये सब काम मिलके तो मुझे ये जो अवार्ड गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ 2 अवार्ड मिले हैं, वो उसकी वजह से मिले। एंड नाउ आई, अब मैंने तिब फार्मास्कोपिया तैयार किया, मैंने 3 एडिशन बनाए। जितने भी तबीब हैं पाकिस्तान में या जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको पाबंद कर दिया है कि वो जो मेडिसिन तैयार करेगा ना, उसका फार्मूला जो होगा वो ये होगा, ये जो मैंने इसमें लिखा है। हम पाकिस्तान में तिब की रवायती सनद के कयाम के मुंतजर हैं, इसके अलावा इसमें सामान की फराहमी भी होगी। लेकिन अभी जो ट्रेंड नया आया, जो मैं देख रहा हूँ, जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के माबेन रवायती अद्वियात को फरोग देने के लिए किस तरह तआवुन किया जा सकता है? दोनों ही जड़ी बूटियों की अद्वियात की तवील तारीख के हामिल हैं। बेजोर की मिसाल ली जाए तो चीन में गालस्टोन बेजोर की कीमत 4 वर्षों में तकरीबन 3 गुना बढ़ी है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली बेजोर इंगोंग बेजोर गोली है। अगरचे इससे पहले मसनूई तौर पर तरकीब शुदा बेजोर चीन में ज्यादा आम था, लेकिन कुदरती बेजोर को इस्तेमाल करना शुरू किया गया और हालिया बरसों में इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। चीन में मवेशियों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ, इसके बावजूद बेजोर की पैदावार अभी तक महदूद है, लिहाजा इसके बजाय बेजोर बैरूनी ममालिक से ज्यादा आता है। चीन ने बोवाइन स्पोंगी फोम इंसेफेलोपैथी के जेरे असर इलाकों से बेजोर की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। हम इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। ये दवा महंगी है और ये मार्केट की मांग है। हम बहुत सी इकसाम की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे हमारे पास करक्यूमिन की बहुत अच्छी क्वालिटी है, जैसा कि हम फिलिबम मिरियानम से मालामाल है। फाल मरकब सिलीमेरीन जिगर की हिफाजत करता है, ये जिगर के अमराज का इलाज कर सकता है। तो काफ़ी ऐसी हैं, उसमें कुछ ऐसी स्पेशल हैं जैसे ऑर्किड है एक, उसके अलावा एक है सेशन टाइम डेजर्ट कोला, एक फ्लावर है जो सहराई फूल है, वो बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत एक्सपोर्ट होता है। प्रॉपर हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, पाकिस्तान तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बहुत अच्छा सहारा दे सकते हैं, जिसमें मशहूर मैं नाम लेना चाहूँगा, किक्कर का इस्तेमाल होता है, पुटकंडा एक है जड़ी बूटी उसका इस्तेमाल है, फिर एक बांसा है, और उसको एक पूरा लाइफ साइकिल उसका बनाया जाए कि किस तरीके से उसको हम उगा सकते हैं उन जड़ी बूटियों को, ताकि वो यहाँ पर इम्पोर्ट करके इस्तेमाल भी हो सकें। ये एक सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि अब हम सीपैक पायनियर में टिड्डियों के कंट्रोल के बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। रवां बरस जनवरी के वस्त से ही पाकिस्तान टिड्डी दल के हमले की जद में है। अक्वामे मुतहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक से शुरू होने वाला सहराई टिड्डियों का हमला जून 2020 तक जारी रह सकता है। पाकिस्तान के बहुत से मुकामात पर सहराई टिड्डियां जमा हो रही हैं। इकोनॉमिक डेली चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर ने डायरेक्टर ब्राय एशियन अफ्रीकन डिवीजन महकमा बैन अलावामी तावन वजारत ज़रात और देही अमूर चीन ह्योयोपाओ से खसूसी इंटरव्यू किया। ह्योयोपाओ इस साल टिड्डियों के इंसदाद के चीनी वर्किंग ग्रुप के रुकन की हैसियत से टिड्डियों के हमले के मकामात का सर्वे करने पाकिस्तान गए थे।
उस वक्त जब हम सहरा के यकबी इलाकों में दाखिल हुए तो हमने देखा कि टिड्डियां हवा में उड़ रही हैं। सहराई टिड्डियों की रफ्तार चलती कार की रफ्तार से कहीं ज्यादा थी। हमने तस्वीरें उतारने के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल किए। बाज़ोका तस्वीर वाज़े नहीं होती थी। ये बम्बार तैयारों की मानद उड़ रही थीं, लिहाजा उस वक्त मुझे लगा कि इनकी नकल मकानी करने की सलाहियत खासी मजबूत है। पहाड़ी इलाकों में दाखिल होने के बाद जहां जंगली घास थी वहां सहराई टिड्डियों के अंबार लगे हुए थे। उस वक्त हमने महसूस किया कि ये इस वसीओ अरीज इलाके की वजह से है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहराई इलाका है। अगर पाकिस्तान के नक्शे पर निगाह डालें तो मेरा ख्याल है कि रकबे का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा सहरा है, जो सहराई टिड्डियों की इफ़ज़ाइश के लिए मौजू रकबा हो सकता है। सहराई टिड्डियों के हमले की वजह से पाकिस्तान में ज़रई पैदावार और खुराक की सलामती पर शदीद असर पड़ता है। एक हालिया रिपोर्ट में FAO ने अंदाजा लगाया है कि रवा साल पाकिस्तान में टिड्डियों से पहुंचने वाले ज़रई नुकसान की मालियत 1.3 बिलियन से $2.7 बिलियन के दरमियान हो सकती है। बलूचिस्तान के बाद हम सबसे बड़े ज़रई सूबे सूबा पंजाब गए। इसके बाद हमें सहराई टिड्डियों की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान का गहराई में अंदाजा हुआ। हमने चने और गंदम के खेतों में बेशुमार सहराई टिड्डियां देखीं। वो परेड के दस्तों की तरह दिखाई दे रही थीं। बहुत ही ज्यादा नर और मादा टिड्डियां गौल की शक्ल में एक सिमत बढ़ रही थीं और हमें ये मंजर बहुत ही हैरान कुन लगा था। पाकिस्तान को इस वबा से निमटने में मदद के लिए चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर हंगामी रोकथाम कंट्रोल और इंसदाद के जामे इकदामात का फैसला किया और इमदादी सामान भी पहुंच चुका है। चीन की वजारत ज़राअत और दही अमूर के बैन अल-अक़वामी तावन के शोबा के डायरेक्टर सुई पेंगफेई ने हाल ही में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में टिड्डियों के बड़े पैमाने पर खात्मे के लिए चीन की कीड़ेमार अद्वियात और आलात इस्तेमाल किए जाएं। पेस्टिसाइड मेलाथन तेल इंतहाई कम हजम के स्प्रे के लिए मौजू है। स्प्रे नोजल के लिए इम्तियाजी खसूसियात दरकार हैं और वसी रेंज कंट्रोल के लिए ये हवाई जहाज के जरिए छिड़कने के लिए खास तौर पर मौजू है, क्योंकि इसमें 95% ज्यादा मेलाथन की मकदार मौजूद है, जो 45% मेलाथन के आम पेस्टिसाइड से ज्यादा मुअसर है। ये माहौल को पहुंचने वाले नुकसान को भी कम से कम करता है। इसके अलावा ये कीड़े मार दवा की एक कम जहरीली किस्म है और ये बहुत पुख्ता है। पेस्टिसाइड्स और जरई स्प्रे गन जैसे मवाद अतिया करने के अलावा शोयोबाओ पाकिस्तान को कीड़े मार दवा की पूरी सनत की तामीर में मदद करने और अपनी आजादाना पैदावारी सलाहियत रखने में मदद की भी ख्वाहां है। इसके अलावा इस बुनियाद पर हमने ज़रई स्प्रे गन अतिया की, जो एक खुदकार चलने वाला आला कारकर्दगी वाला स्प्रे आला है। ये ट्रैक्टर के पीछे लगता है। इसे स्प्रे वाले आले की कारकर्दगी दस्ती स्प्रे मशीन से 100 गुना ज्यादा है। मजीद ये कि पाकिस्तान के ट्रैक्टरों की तरक्की में कोई दिक्कत नहीं, यानी इनके पास आला मयार के ट्रैक्टरों की अपनी ब्रांड है और वो ब्लैक क्लॉथ स्प्रे मशीन भी आजादाना तौर पर तैयार कर सकते हैं। चीनी ज़रई स्प्रे गन ट्रैक्टर से चलती है और पाकिस्तान में इसकी अशद जरूरत है। हमने इन्हें ऐसी 50 मशीनें इमरजेंसी एड की शक्ल में दी हैं। पाकिस्तान में शदीद मुतासरा इलाकों में ज्यादातर सहराई इलाके हैं। बाद है मीटरिंग टेक्नोलॉजी और ज़राए की कमी और रोकथाम और कंट्रोल की सलाहियत शदीद कमजोर है, लिहाजा मुख्तसर वक्त में टिड्डी दल का मुकम्मल तौर पर खात्मा नामुमकिन है। चीन की इमदाद से पाकिस्तान को टिड्डियों की वजह से होने वाले नुकसानात को जल्द और कम सतह पर करने में मदद मिलेगी। समीर साहब, आपकी मालूमात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में टिड्डियों की के कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि फ़िलहाल जो अभी करंट जो सिनेरियो है इन दिनों में, उसके मुताबिक तो ज़ाहरी बात है, जिस तरह पहले हम बता चुके हैं कि चाइना ने काफ़ी मेडिसिन भी भेजी और मशीन भी भेजी है, जबकि उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है और उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोल है। फिर टिड्डियों के हमले पर काबू पाने के लिए आप कौन सी तजवीज़ देना चाहते हैं? तो एक दफ़ा इसको इस स्टेज के ऊपर मेरे ख्याल में जो तहकीक के मुताबिक हैं रिजल्ट्स, केमिकल वे के थ्रू उनको किल किया जाए और फिर नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाके जो मे बी इट्स एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर
जो बायो मेडिसन है वे है जो जो लेस हार्मफुल है, कम अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, लोगों को और बाकी जो इको एनवायरनमेंट सिस्टम है इलाके का, वो उसकी तरीके की तरफ जाया जाए ताकि इसको कम से कम एनवायरनमेंट को गंदा करने के साथ हम इस पर काबू पा सकें। पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। आइंदा इतवार के रोज़ शाम 6:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।